घूम घूम भाग के। आपको कुछ बताना था, सब सब ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा आपको। आराम से क्या बोल रही हो तुम? हम आपको बाहर निकलवा लेंगे, मुझे पता, मैंने कहा था कि एक रात की बात है, लेकिन वक्त लग गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा प्रज्ञा, मुझे सिमोनिका के मर्डर के लिए। वो जिंदा है प्रज्ञा, क्या अभी की जमानत हो गई है? जमानत की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी दादी, क्योंकि अब वो पूरे सम्मान के साथ घर आएंगे, सबको पता चलेगा कि वो बेकसूर है, उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इसका मतलब सबूत मिल गया उसकी बेगुनाही। सबूत नहीं दादी, गुनेगार मिल गया, सिमोनिका जिंदा है। बताइए कौन है आप, सच्चाई बताइए। देखिए आप एक मुजरिम का साथ दे रही हैं, अगर मुजरिम का साथ दे रही हो तो आप भी फंस जाओगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए सच से बताइए। बताइए क्या नाम है आपका, बताइए। अंतिका, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, जान से मार डालूंगी। मैं सिमोनिका हूँ। सिमोनिका पकड़ो उसे। मैं अपना बदला लेने आई हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। I will kill you. लाइए अपने फिंगरप्रिंट दीजिए। अब क्या सोच रही हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, डर लग रहा है? ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो अवंतिका से सिमोनिका बनना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट्स दो। यहाँ पे हाथ रखिए। अब आपका दूसरा हाथ रखिए। थोड़ी देर में चेक करके बताता हूं फिंगरप्रिंट 100% मैच हुए या नहीं। मिलोर्ड, इस फिंगरप्रिंट वाले की ऑथेंटिसिटी क्या है? ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सपर्ट नहीं है, हो सकता है मिसेज मेरा ने इसे हायर किया हो जो जानबूझकर फिंगरप्रिंट मैच कर दे, इसलिए इसकी रिपोर्ट पर एक गुनहगार को रिहा नहीं कर सकते। हो सकता है मिस्टर मेरा बचे हुए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करते हैं। मिलोर्ड, फिंगरप्रिंट 100% मैच है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, जान से मार डालूंगी। मैं सिमोनिका हूँ। सिमोनिका पकड़ो उसे। ऑर्डर ऑर्डर, इसे अरेस्ट कर लो। मैं अपना बदला लेने आई हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। I will kill you. I will kill you. छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। सुना तूने? छोड़ूंगी नहीं। जो सबूत मिसेस प्रज्ञा ने अदालत में पेश किए उन्हें देखने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि सिमोनिका जिंदा है और उसी ने जानबूझकर अपने झूठे मर्डर के केस में मिस्टर अभिषेक मेहरा को फंसाया था। अदालत मिस्टर अभिषेक मेहरा पर लगाए हुए सारे आरोपों को खारिज करती है और उन्हें बाइज्जत रिहा करने का हुक्म देती है। हाँ जी, माता रानी की ना हम पे फुल कृपा है। जो हमें प्रज्ञा जैसी बहू मिली, अभी को छुड़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, हमें बताते भी नहीं थी, बस घर से निकल जाती थी। अकेली कहाँ दादी, पूरब ने कितना साथ दिया मेरा। अगर मैं आपका साथ नहीं देता ना तो ये रॉकस्टार मेरी बैंड बजा देता। एक सेकेंड, तुम्हें कब पता चला कि सिमोनिका जो है वो अवंतिका नहीं? मतलब तुम्ही ने तो मुझे बताता ना कि वो अवंतिका है। नहीं अरे दिशा, ये ओ हाँ, ये बात तो दिशा तुमने मुझे बताई थी। पर दी, बैंगलोर से डिटेल्स आने के बाद पूरब जी ने तो आपको बताया था कि वो अवंतिका ही है, फिर आपको कब पता चला कि वो सिमोनिका है? पूरब ने जब मुझे कॉल किया तभी मुझे वेट कॉल पे अवंतिका का कॉल आ रहा था। जब मुझसे उसने उस डील की बात की तो मैं समझ गई कि वो सिमोनिका ही है। All right, thank you. Thank you. नोटिस किया तुमने क्या? नहीं किया?
फिर रहने दो ना। नहीं बोली ना। कल तक जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं मर्डर हूँ, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वही लोग हाथ पकड़ कर आज मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। अब वो खत्म हो गया, वो दिन कभी लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि तुम मेरे साथ हो। थैंक यू। मेरा नाम, मेरी इमेज, मेरा रेपुटेशन बचाने के लिए। पता है, आज से मैं क्या हूं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हूं ना वो सिर्फ तुमसे। मेरी लाइफ, मेरी हर सांस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। अच्छा, पहले नहीं था? हाँ, पहले सब हो रहा है। गेस्ट आए हुए हैं और आप ऐसे, मतलब तो? मतलब जाने दीजिए ना मुझे, प्लीज मैं जाऊं। रुकना तो रुक जाओ, पर अब तो रुकना तो पड़ेगा। रो क्यों रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? रो तो रही हो तुम। अरे मैं कहाँ रो रही हूँ? अरे रो तो रही हो तुम। रो तो रही हूँ मैं। रो रही हो? तो अब मैं हूँ ना यहाँ पर, सब ठीक हो जाए। ऐसे ही हंसते रहो और साथ साथ रहो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम दोनों को ऐसे ही देखना चाहती हूँ। बस कोई बुरा साया तुम्हारी जिंदगी में आए ही बस। या दादी, आप कुछ भी बातें करती रहती हो। कितनी बार कहा आपसे कि ये सब बातें मत किया करो, अभी तो आपको आपके पोतों को भी तो खिलाना है। क्या मतलब? घर में जो बच्चे हैं, बंटी बबली, उसे खिलाना है, गोदी में बड़ा करना है। बड़े होंगे कि नहीं होंगे, और उसके बाद चार धाम की यात्रा करनी है आपको। अगर तुमने एक शब्द भी कहा ना, मेरा हाथ उठ जाएगा। और जिन रिश्तों की तुम बात कर रही हो ना, वो प्रज्ञा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से खत्म हुए। क्योंकि तुम्हारे ना अपनों के रिश्तों से ज्यादा अपनों के प्रॉपर्टीज मायने रखते थे। मुसीबत की जड़ ये नहीं, तुम हो। हम इस अंधेरे को हम आपकी मौत से रोशन करेंगे। इस दिल ने हमारे माँ बाबा को बहुत तकलीफ दी, अब इस दिल की बात। ये सब तूने किया ना, मेरी किडनैपिंग, प्रॉपर्टी की डिमांड। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया था, और हाँ, मैंने ही तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे वापस छीन ली। और अगर मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश भी करी ना, तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगी, ये ध्यान रखना। आपकी मंजिल कोई और है दी। आपको पता है, मैं मुझे दिल से ऐसा लगता है कि पृथ्वी से लाख गुना बेटर लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है दी, जैसे कि करण सर।
करण सर चाहे जो भी हालात हो वो कुछ ऐसे कर जाते हैं जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आती है दी। जी आप ये क्या कर रही है? जिया क्या कर रही हो? रानू छोड़ो, पगला गई हो क्या? रानू ठीक हो तुम? अर्जुन नाटक कर रहे हैं।